Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to discuss the current affairs for 28th of May 2019. और discussion शुरू करें इससे पहले हम लोग questions देख लेते हैं. So question for the day are, first question is, most of the states in India have a unicameral system while others have a bicameral system. Which of these states have bicameral legislature? Your options are A, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Jammu Kashmir. B, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र. सी, केरला, गुजरात, तेलंगाना एंड झारखंड. डी, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. सेकेंड क्वेश्चन इज, राजराजा चोल फर्स्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल हेरिटेजेस ऑफ इंडिया. बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोर, द कंपाइलेशन ऑफ थिरुमुरई, नागापट्टनम मोनेस्ट्री. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ए, वन ओनली. बी, टू एंड थ्री ओनली. सी, वन एंड थ्री ओनली. डी, वन टू एंड थ्री. थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे इज, अ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ. ए, पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन. बी, इक्विटी इन टैक्सेशन. सी, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. और डी, सस्टेनेबिलिटी एंड रोबस्टनेस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम. तो ये तीन क्वेश्चन थे, आप लोग इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है That is related to BIMSTEC, ठीक है. और BIMSTEC, the head of BIMSTEC has been invited to Prime Minister swearing in. तो जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें BIMSTEC एंड संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है, ठीक है. हम लोग यहाँ पर पहले BIMSTEC के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि BIMSTEC क्या है. BIMSTEC का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है. और ये है क्या, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो इसके मेंबर्स हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका. एक श्रीलंका जो है वो यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, बट रिमेंबर दैट द मेंबर्स ऑफ BIMSTEC आर भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका. कब बना था ये, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6th of June 1997. इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश में. हम लोग यहाँ पे BIMSTEC के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे, BIMSTEC इज मोर एंड मोर बिकमिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स BIMSTEC टू प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि इंडिया जो है वो अब सार्क को साइडलाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज विद पाकिस्तान. तो जो रीजनल कोऑपरेशन है उसके लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंडिया अभी फोकस्ड है वो है BIMSTEC, ठीक है. तो मेंस में हो सकता है कि हम लोगों को कोई क्वेश्चन देखने को ऐसा मिल जाए कि विल BIMSTEC कोऑर्डिनेशन भी सक्सेसफुल, तो विल BIMSTEC स्ट्रेटेजी वर्क फॉर इंडिया. तो इसको लेकर के जब हम लोग मेंस के टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे कि वेदर BIMSTEC इज मोर सक्सेसफुल और सार्क इज सक्सेसफुल और BIMSTEC विल बी एबल टू रिप्लेस सार्क और नॉट, ठीक है. पर अभी के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे कि BIMSTEC का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं. कौन कौन से मेंबर्स हैं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका. कब बना था, 6 जून 1997 को बना था. सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ढाका, बांग्लादेश में. दूसरा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है वो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है. तो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो ये यूरेशियन है मतलब इट हैज सम कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड सम कंट्रीज फ्रॉम एशिया, ठीक है. एंड इट इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक. ये ध्यान रखेंगे हम लोग इसके बारे में. इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हम देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज 8 मेंबर्स विच आर इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है. एंड इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बिकम फुल मेंबर ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017, ठीक है. तो इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट द ओरिजिनल फाउंडर मेंबर्स ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव बिकम मेंबर इन 2017. अभी जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, दे आर द ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. एंड शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परमानेंट बॉडीज. द फर्स्ट वन इज SCO सेक्रेटारिएट विच इज बेस्ड इन बीजिंग. तो ध्यान रखेंगे हम लोग SCO का जो सेक्रेटारिएट है वो कहाँ है, बीजिंग में है. एंड सेकेंड वन इज द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बेस्ड इन ताश्कंद, ठीक है. तो जो RATS है रेड्स
वो जो है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट बॉडी है एंड इट हैज इट इज बेस्ड इन ताशकंद, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो इस साल की सबमिट होने वाली है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो बिस्केक में होने वाली है, ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने इस न्यूज में बिम्स्टेक के बारे में देख लिया, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया। एक और जो टर्म यहाँ पे मैंशन है वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। इट मीन्स इंडिया वुड गिव प्रायोरिटी इन फॉरेन रिलेशन टू इट्स क्लोज नेबर्स विच आर भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो इन कंट्रीज को इंडिया जो है वो जब भी कोई मदद देनी होगी या कोई भी फॉरेन रिलेशंस एस्टेब्लिश करने होंगे तो इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वॉज स्टार्टेड एट द इनिशियल फेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2014। तो जैसे ही सरकार बनी थी देन इट वॉज हाईली इम्फेसाइज, ठीक है। तो इसको लेकर के भी हम लोगों को ध्यान रखना है वेदर दिस पॉलिसी हैज बीन सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, तो मेन्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया बिम्स्टेक एंड एससीओ के बारे में। अब हम लोग आज की दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं जो है सिक्किम से, एंड देयर पीएस गोले हैव बिकम द सीएम ऑफ सिक्किम, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। तो इनका पूरा नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। ही हैज बीन स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। पार्टी कौन सी है इनकी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। एंड इसके अलावा ही इज सक्सीडिंग पवन कुमार चामलिंग हु हैज द रिकॉर्ड फॉर बींग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे एक और जो फैक्ट हाईलाइटेड है वो ये है कि अगर किसी वनडे टाइप एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हु हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा, पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। एंड सिक्किम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितनी सीट्स हैं, 32 असेंबली सीट्स आर देयर। तो ये हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा सिक्किम के बारे में ध्यान रखेंगे कि अभी कौन चीफ मिनिस्टर है, प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद, सीट्स कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, 32, एंड ही हैज सक्सीडेड पवन कुमार चामलिंग हु हैज द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आ जाइए आप लोग सेकेंड पेज पे। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है जेएनयू ऑनलाइन एंट्रेंस से रिलेटेड। एंड जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप से हो रहा है एंड इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे एग्जाम हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस एजेंसी का नाम यहाँ पे लिया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, डैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग थोड़ा सा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में देख लेते हैं, ये है क्या। इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 2017 टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जो अभी तक क्या होता था कि जैसे पीएमटी होना है तो वो सीबीएसई कराएगा, और जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने हैं जेई आईआईटी के लिए वो आईआईटीज कंडक्ट कराते थे, उसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ऐसी एजेंसी बना दी जाए जिसका काम ही यही हो कि वो सारे के सारे टेस्ट ले। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाई गई है। इसकी जो अनाउंसमेंट है, द अनाउंसमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉज डन इन बजट 2017। तो इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बना दिया गया है, ठीक है। धीरे धीरे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी कंडक्ट कराता है उसका काम भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया जाना है। स्लोली द एंटायर फंक्शन, द एंटायर एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड इन दिस कंट्री विल बी अलॉटेड टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब इसमें कौन मेंबर है और क्या क्या होगा। सो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी चेयर्ड बाय एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड सीईओ कौन होगा इसका, सीईओ विल बी डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयर विल बी अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंप्राइजिंग मेंबर्स फ्रॉम यूजर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो फाइनेंस है, इसमें गवर्नमेंट जो है इनिशियली द गवर्नमेंट विल गिव अ ग्रांट ऑफ रुपीज 25 करोड़ एंड लेटर ऑन इट विल बिकम अ सेल्फ सस्टेनेबल एजेंसी, ठीक है, कि आप अपना एग्जाम कंडक्ट कराइए, बच्चों से पैसा इकट्ठा कीजिए, फीस लीजिए एंड उसी से आप अपने आप को रन कीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। अब आगे आ जाते हैं इसी पेज पे, जो दूसरी न्यूज है वो है एनजीटी से रिलेटेड। तो न्यूज क्या थी, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो है वो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके ऊपर एक फाइन इम्पोज किया है। दे हैव नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 ऑन यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि उन्होंने जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को एक गलत रिपोर्ट दी थी, दो इंडस्ट्रियल यूनिट से रिलेटेड गलत रिपोर्ट दी थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में देख लेते हैं एक बार, जो लोग भी रेगुलरली एग्जाम्स मेड सिंपल को सुन रहे हैं उनके लिए एक टाइप का रिविजन ही होगा।
सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वॉज फॉर्म्ड अंडर द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। तो कौन से एक्ट में बना था? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। ये क्यों बनाया गया था? बिकॉज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अवर सिटीजन्स, ठीक है। तो उसको एनफोर्स करने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया था। दूसरा जो उसका पर्पज था, इट वॉज फॉर्म्ड फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस थे उनका किस तरह जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके, फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को टाइम लिमिट है कि विद इन 6 मंथ इट विल हैव टू रिजॉल्व द केसेस विच आर गिवन टू इट, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जो भी केस फाइल होता है इट नीड्स टू बी रिजॉल्व विद इन 6 मंथ्स, ठीक। अब इसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मस्ट बी अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इससे इस इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि इट इज बीइंग चेयर्ड बाय अ रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये अपना फंक्शन कैसे अपने आप को कंडक्ट करेगी, इसका जो प्रोसीजर है, इट इज नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, रैदर इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इट इज नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, रैदर इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एज इट इज स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। सो जस्ट रिमेंबर दैट ए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रैदर इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है एंड इसकी रीजनल बेंचेस 4 जगह हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। अभी जो चेयरपर्सन है एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के वो हैं आदर्श कुमार गोयल। एंड वन मोर फैक्ट विच यू ऑल शुड रिमेंबर दैट इंडिया वॉज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्म सच एन एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। इंडिया से पहले 2 कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किया था, इंडिया वॉज द थर्ड कंट्री टू एस्टेब्लिश सच अ ट्राइब्यूनल। इंडिया से पहले जिन 2 कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किया था वो थी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश सच एन एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल। तो ये हो गया हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 4 पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे पेज नंबर 5 पे। तो यहाँ पे एक न्यूज मिलती है हमको करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड। तो न्यूज ये थी कि ऑफिशियल्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया हैव मेट ऑन करतारपुर कॉरिडोर इशू, ठीक है। तो हम लोग करतारपुर कॉरिडोर के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। करतारपुर कॉरिडोर विल बी अ लिंक बिटवीन गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1522 बाई गुरु नानक देव एंड इट इज द प्लेस वेयर गुरु नानक देव ब्रेथ हिज लास्ट, ठीक है। तो और जो करतारपुर है जो वो है पाकिस्तान साइड में, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। एंड जो करतारपुर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ठीक। एंड करतारपुर कॉरिडोर विल प्रोवाइड अ वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियन सिख पिलग्रिम्स टू गुरुद्वारा दरबार साहिब विच इज लोकेटेड इन करतारपुर, ठीक है। तो इसके लिए बहुत लंबे समय से पंजाब के अंदर डिमांड थी कि बिकॉज गुरु नानक देव ब्रेथ हिज लास्ट ओवर देयर, सो दैट वॉज द रीजन वाई दिस गुरुद्वारा वॉज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर सिख्स। एंड दिस करतारपुर कॉरिडोर विल प्रोवाइड अ वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियन सिख पिलग्रिम्स टू गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर। एंड इसको कंप्लीट कब तक होना है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन नवंबर 2019 विच विल ऑल्सो मार्क द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। अब यहाँ पे इस पेज पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से रिलेटेड। एंड जिस एनजीओ ने द एनजीओ विच हैज फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स वर्क, नाउ दे हैव रेज्ड कंसर्न डैट जो रीवेरिफिकेशन होना था अबाउट 10% ऑफ सैम्पल रीवेरिफिकेशन विच वॉज टू टेक प्लेस हैज नॉट टेकन प्लेस। सो दे हैव रेज्ड अगेन अ कंसर्न इन द सुप्रीम कोर्ट डैट रीवेरिफिकेशन ऑफ द सैम्पल्स इज नॉट बींग डन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज द लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स ऑफ असम। पहली बार कब बना था? इट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1951 फॉलोइंग द सेंसस ऑफ 1951। एंड किसी भी पर्सन का नाम एनआरसी में होने के लिए कौन सी 2 कंडीशंस जरूरी हैं? तो फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ नेम इन द लेगेसी डाटा
एंड सेकेंड वन इज प्रूविंग लिंकेज विद द पर्सन हुज नेम अपियर्स इन द लेगेसी डाटा। तो या कि आपका नाम लेगेसी डाटा में हो, या कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपना रिलेशन बता सको जिसका नाम लेगेसी डाटा में है, कि आपके दादा दादी नाना नानी किसी का भी नाम अगर लेगेसी डाटा में है, देन योर नेम कैन अपियर इन द एनआरसी लिस्ट। लेगेसी डाटा क्या होता है? लेगेसी डाटा इज द कलेक्टिव लिस्ट ऑफ द एनआरसी डाटा ऑफ 1951 एंड द इलेक्टोरल रोल्स अप टू द मिडनाइट ऑफ 24th March 1971। ठीक है, तो ये दो लिस्ट का कंपाइलेशन है लेगेसी डाटा। फर्स्ट वन इज द एनआरसी डाटा ऑफ 1951 एंड सेकेंड वन इज द इलेक्टोरल रोल्स अप टू मिडनाइट ऑफ 24th March 1971। एंड ये एनआरसी क्यों किया जा रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का जो ये लिस्ट क्यों निकाली जा रही है असम में? बिकॉज असम वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, एंड इसको लेकर के 1985 एंड अराउंड 1980s बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। आफ्टर दैट असम अकॉर्ड वॉज साइंड बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड आसू, असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच में साइन हुआ था, एंड देन इट वॉज एग्रीड दैट एनआरसी लिस्ट विल बी फाइनलाइज एंड ऑल द इलीगल माइग्रेंट्स विल बी आस्क्ड टू लीव असम। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए, उस एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एनआरसी अपडेशन किया जा रहा है। एंड द प्रोसेस ऑफ एनआरसी अपडेट वॉज टेकन अप इन असम एज पर अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2013। तो 2013 के बाद इसको शुरू किया गया है और तेजी के साथ, एंड द फाइनल लिस्ट विल बी पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो जो लास्ट डेट है नाम ऐड करने के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में, डेट इज 30th June। लेकिन एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट वी नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स अबाउट एनआरसी, दैट इट इज डन फॉर द स्टेट ऑफ असम एंड लेगेसी डाटा। लेगेसी डाटा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है अभी, पेज नंबर 8 पे आ जाइए। यहाँ पर एक सबरीमाला से रिलेटेड न्यूज़ है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो कांग्रेस लेड अलायंस है UDF, दैट इज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, दे हैव प्रॉमिस टू ब्रिंग अ लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट सबरीमाला कस्टम्स। ठीक है, तो जो सबरीमाला के ट्रेडिशन एंड कस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन लाएंगे, ऐसा कहना है कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का, इफ दे आर एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला। ठीक है, तो ये न्यूज़ यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन सबरीमाला टेम्पल क्योंकि पूरे साल ही न्यूज़ में था तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है। इट इज लोकेटेड इन द पेरियार टाइगर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट रिजर्व ऑफ पाठन मिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, तो सबरीमाला टेम्पल कहाँ पे है, किस टाइगर रिजर्व के अंदर में आता है? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरला में है, ये ध्यान रखेंगे। द फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन द 18 हिल्स एंड द श्राइन एट सबरीमाला इज एंशियंट टेम्पल ऑफ अयप्पन। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे सबरीमाला के बारे में और पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक, सबरीमाला जो टेम्पल है दैट इज विद लोकेटेड विथ इन द पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरला में। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इस पेज पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज। तो जो सबसे पहला एडिटोरियल था वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के ऊपर था। तो सो एडिटोरियल हाइलाइट्स दैट इवन आफ्टर लूजिंग द लोकसभा इलेक्शन सीएम पलनी स्वामी हैज वन बाय सिक्योरिंग स्टेबिलिटी फॉर हिज गवर्नमेंट। तो कैसे स्टेबिलिटी इंश्योर की, क्योंकि तमिलनाडु में जो 22 सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स के लिए भी इलेक्शन हुए थे, आउट ऑफ दोज 22 AIADMK हैज वन 9 सीट्स एंड विथ दिस 9 विक्ट्रीज दे वर एबल टू सिक्योर अ स्टेबिलिटी इन 234 मेंबर्स असेंबली। नाउ दे हैव अ क्लियर कट मेजोरिटी एंड देर इज नो थ्रेट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तमिलनाडु असेंबली में ध्यान रखिएगा कितनी सीट्स हैं, 234 सीट्स हैं तमिलनाडु असेंबली में। ठीक है, और यहाँ पे बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की, सो दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी कैन स्किप इट। जो लीड आर्टिकल है आज का, द लीड आर्टिकल वॉज ऑन हाउ टू रेस्क्यू जेन्युइन सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म को कैसे बचाया जाए इस देश में, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल था। तो हम लोग डिस्कशन शुरू करें कि ऑथर ने क्या लिखा है, उसके पहले देख लेते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मींस स्टेट मेंटेनिंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स एंड स्टेट हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि देश जो है, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी एंड इट वुड नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन,
or the state will not have any official religion. For example, Pakistan has an official religion, that it is Islamic Republic of Pakistan. But India is not Hindu Republic of India. Okay? India is a secular country, and the word secularism that was added to preamble by 42nd Constitutional Amendment of 1976. So, secularism ka matlab samajh aa gaya hum logon ko. Indian context mein thoda sa difference hai. Kyunki Western concept mein kya hai? कि स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज रिलीजन और इट इज एंटी रिलीजियस. ठीक, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट एंटी रिलीजियस, इट रिकॉग्नाइजेस रिलीजन बट इट मेंटेन्स एन इक्विडिस्टेंस. तो सभी धर्मों का संभाव किया जाएगा, ऑल द रिलीजन्स वुड बी रिस्पेक्टेड एंड नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी फेवर्ड. ठीक है, तो ये होता है सेकुलरिज्म का मतलब. अब ये इशू क्यों आया? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज विक्ट्री स्पीच टॉक्ड अबाउट नकली और फेक सेकुलरिज्म प्रैक्टिस बाय अदर पार्टीज. एंड तो जेन्युइन सेकुलरिज्म क्या है या असली सेकुलरिज्म क्या है? दैट प्राइम मिनिस्टर हैज डिफाइंड एज सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास. दैट इज जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन. नो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी वुड बी फेवर्ड और नो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी वुड बी डिसफेवर्ड. तो इसको जो है प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट इज जेन्युइन सेकुलरिज्म. एंड ऑथर सेज दैट इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एबल टू अचीव रियल सेकुलरिज्म where minorities are not forced to live in the fear of lynching and have equal chances of development, then nation would be really grateful to him. तो अगर ऐसा हो पाता है कि minorities India में बिना किसी fear के या lynching का कोई fear ना हो और उनको development का equal मौका मिले, तो इसके लिए देश जो है वो हमेशा ही Prime Minister मोदी का आभारी रहेगा. ठीक है, तो ये मतलब author ने highlight किया है. And another thing that author has highlighted, he has enhanced the meaning of secularism, which means not only inter-religious domination, it also secures us against intra-religious domination. ठीक है, तो ये नहीं कि secularism का मतलब है कि state जो है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और सबके बीच में इक्वली ट्रीट करेगा और उनको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा. इट ऑल्सो मीन्स कि विथिन कम्युनिटीज, जैसे कास्ट सिस्टम है या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या दलित्स के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है या वुमेन को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, दैट वुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाई सेकुलरिज्म. ठीक है, तो इंट्रा एंड इंटर रिलीजियस बोथ sort of security will be given under secularism. And what are the suggestions which the author has given to protect genuine secularism? So first suggestion that he has given is that people should be made aware that secularism is important for every community, not just minorities. तो सबसे पहले तो लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि secularism सिर्फ minorities के लिए important नहीं है, वो हम सभी के लिए important है. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और community को belong करते हो, किसी और caste को belong करते हो, तो secularism आपको उन सब चीज़ों को के लिए भी protect करता है. तो हिंदुइज्म में भी बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारे पंथ हैं, उन सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करता है. तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा. सेकेंड वन इज कम्युनिटेरियनिज्म शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कम्युनलिज्म. तो कम्युनिटेरियनिज्म का मीनिंग होता है कि मुझे अपनी कम्युनिटी के ऊपर प्राउड है, मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं या मैं सिख हूं, मुझे उसके होने पर प्राउड है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम्युनल हो गया. कम्युनल होने का मतलब है कि जब मैं किसी और रिलीजन को अपने अपोजिट देखता हूं. कम्युनलिज्म सिंपली मीन्स कि आई एम सीइंग अनदर रिलीजन विच एज एनिमिकल टू मी, दैट उनका अगर डेवलपमेंट होगा तो मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, ये कम्युनलिज्म है. लेकिन कम्युनिटेरिज्म का मतलब है कि मैं अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. सो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इट. एंड अगर सेकुलरिज्म को बचाना है तो वी शुड अलाउ पीपल टू हैव अ कम्युनिटेरियन व्यू बट नॉट कम्युनल व्यू. तो इसके बीच में हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा. जो तीसरा सजेशन दिया है वो ये दिया है कि रिलीजियस एजुकेशन शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स सो दैट दे हैव एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ऑल रिलीजियस ट्रेडिशंस. ठीक है, तो हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी गिवन बट वी कैन प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन टू अवर स्टूडेंट्स सो दैट दे आर अवेयर अबाउट ऑल द रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन. ठीक है, इससे क्या होगा कि दे वुड बी एबल टू हैव अ क्रिटिकल माइंड. वो अपने रिलीजन और दूसरे के रिलीजन में भी फॉल्ट पता कर सकेंगे या क्या कमियां हैं या क्या सुधार की जरूरत है उसको भी पता कर सकेंगे. सो थर्ड सजेशन इज दैट रिलीजियस एजुकेशन शुड बी गिवन. तो जब भी आप लोग सेकुलरिज्म के ऊपर मेन्स में आंसर राइटिंग करें तो यू कैन इंक्लूड दीज थ्री सजेशन, तो ये अच्छा लगेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकुलरिज्म के ऊपर. अब जो दूसरा आर्टिकल है दैट इज ऑन व्हाट आर द ग्लोबल इंप्लिकेशंस ऑफ द 2019 इलेक्शन मैंडेट. तो ग्लोबली इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा आफ्टर 2019 इलेक्शन. तो 2019 इलेक्शन मैंडेट कैसा मैंडेट है? दैट इज अ क्लियर कट मैंडेट विच हैज गिवन मेजोरिटी टू बीजेपी गवर्नमेंट. तो इसके कारण क्या होगा कि वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर विच विल बी एबल टू टेक whatever decisions which are necessary for the growth and development of this country. ठीक है, तो इसके कारण से जो है वो जो भी कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है
प्राइम मिनिस्टर को दूसरे मंत्रियों की तरफ देखना पड़ता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए या कुछ हो जाए. सो प्राइम मिनिस्टर विल नाउ ओनली बी फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट. ठीक है, तो ऐसा ऑथर का कहना है. एंड ही सेज दैट एज द टू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना आर एंगेज्ड इन द ट्रेड वॉर, सो दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू फिल दैट जियोपॉलिटिकल स्पेस एंड टू यूज दिस स्पेस फॉर इट्स ओन एडवांटेज. ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया इसमें कि कैसे ये मतलब और यूज कर सकता है इंडिया या नहीं यूज कर सकता है, सिर्फ इसी एक पॉइंट को हाईलाइट करके छोड़ दिया है. एंड तीन एरियाज को हाईलाइट किया है विच इंडिया नीड्स टू फोकस टू अचीव इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल. फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स, इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए. सेकेंड वन इज जॉब क्रिएशन, ये कैसे किया जा सके इसके ऊपर फोकस करना चाहिए. एंड थर्ड वन इज इंडिया शुड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो अगर इंडिया इन तीन चीजों के ऊपर फोकस करेगा तो देन इंडिया विल बी एबल टू अचीव इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल, ऐसा ऑथर का कहना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड आर्टिकल. अब जो सेकेंड एडिटोरियल है वो किसके ऊपर था, दैट वॉज ऑन हाउ टू मेक स्केलिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट मोर सिक्योर. ठीक है, तो अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लोग वहाँ पे माउंट एवरेस्ट को पीक को स्केल करने जा रहे हैं या उस पर समिट चढ़ने जा रहे हैं, दे आर फेसिंग अ थ्रेट टू देयर लाइफ. एंड दिस एडिटोरियल वॉज रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ डेथ ऑफ मोर देन 10 क्लाइंबर्स दिस सीजन इन विच इंक्लूड्स 4 इंडियंस. ठीक है, तो इसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है उसके लिए जो सजेशंस दिए हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. कि फर्स्ट वन इज दैट नेपाल शुड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ परमिट्स बीइंग गिवन. तो जितने टूरिस्ट को वहां पे भेजा जा रहा है या जितने जो एडवेंचरर्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, नेपाल शुड पुट अ लिमिट ऑन दैट. सेकेंड वन इज रिड्यूस द वेटिंग टाइम इन सब जीरो टेम्परेचर नियर पीक एज दिस लीड्स टू फ्रॉस्ट बाइट, एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो होता क्या है कि जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे होते हैं तब तो आपकी बॉडी वार्म होती है, लेकिन अब इतने ज्यादा लोग चढ़ रहे हैं कि सबको समिट पे पहुंचना है तो उसके पहले एक तरह की लाइन लग जाती है. सो फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ क्यू इज बींग फॉर्म. तो उस कारण पे क्या होता है कि वेन यू आर स्टैंडिंग एट अ सब जीरो टेम्परेचर विथ मिनिमम ऑक्सीजन, हाई अल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, देन दिस लीड्स टू फ्रॉस्ट बाइट, एग्जॉशन एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स फैटल फॉर मेनी एडवेंचरर्स. एंड थर्ड सजेशन इज दैट द नेपाल शुड स्ट्रेंथन सेफ्टी मेजर्स. ठीक है, तो ये करना चाहिए. माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. माउंट एवरेस्ट इज नोन एज सागर मथा इन नेपाली. ठीक है, एंड तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, चोमु लंगमा. ठीक है, तो एंड इट इज अर्थ हाइएस्ट माउंटेन हैविंग अ हाइट ऑफ 8848 मीटर एंड इट इज लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज. ये तो सभी को पता है. तो ये हो गया हमारा माउंट एवरेस्ट और कैसे उसकी स्केलिंग को और ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है उसके बारे में. इसके बाद के जो दो पेज हैं वो बीजेपी का पोस्ट पोल एनालिसिस है कि वो कैसे जीती और क्यों जीती, हिंदू कर रहा है इस समय, तो वी कैन स्किप इट. अब आ जाते हैं हम लोग सीधे पेज नंबर 13 पे और यहाँ पे एक न्यूज़ है आकाश मिसाइल से रिलेटेड. ठीक है, तो न्यूज़ ये है कि DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द आकाश सरफेस मिसाइल. ठीक है, तो इट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल. हम लोग यहाँ पे जो दो तीन इंस्टीट्यूशंस मेंशनड है और एक प्रोग्राम जो मेंशनड है उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि वो क्या है. तो सबसे पहले जो आकाश मिसाइल सिस्टम है इसके बारे में देख लेते हैं. तो इसको डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. किस प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया है, इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. और ये किस तरह की मिसाइल है आकाश के बारे में ध्यान रखेंगे हम लोग, सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है. ठीक, और न्यूक्लियर कैपेबल है एंड इट इज मल्टी टारगेट, मल्टी डायरेक्शनल एंड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम. ठीक है, तो मल्टी टारगेट है, मल्टी डायरेक्शनल है एंड इट कैन फंक्शन इन ऑल वेदर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में. अब हम लोग यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है जिसने आकाश मिसाइल सिस्टम को बनाया है उसके बारे में देख लेते हैं, DRDO के बारे में. तो DRDO क्या है, DRDO इज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो सबसे पहले DRDO की मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इसका फंक्शन क्या है, इट इज चार्ज विथ मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सो मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड या मिलिट्री से रिलेटेड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दैट इज कंडक्टेड बाय DRDO. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, DRDO इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली. कब बना था, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1958. ठीक, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे DRDO के बारे में. इसके बाद जो एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर आकाश मिसाइल को डेवलप किया गया है एंड अदर मिसाइल्स वर डेवलप्ड, वी विल टॉक अबाउट दैट प्रोग्राम. द प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, IGMDP. ठीक, तो इसको किसने शुरू किया था, इट वॉज कंसीव्ड बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम.
इसका एम क्या था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का? इट एम टू एनेबल इंडिया अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी. तो इसका ये एम था. इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कब किया था, शुरू कब हुआ था? इट वॉज अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन July 26, 1983. ठीक है, तो 1983 में शुरू हुआ था. And this program has been successfully completed in 2008. तो 2008 के बाद integrated missile development program complete हो चुका है, तो उसको खत्म भी किया जा चुका है. ठीक है, अब इस program के अंदर कौन कौन सी missiles develop हुई थी, तो हम लोग देख लेते हैं. इसके अंदर 5 missiles develop हुई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग. तो पृथ्वी के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, किस तरह की मिसाइल है. इट इज शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल. अग्नि इज इंटरमीडिएट रेंज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल. त्रिशूल इज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. आकाश इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड नाग इज एंटी टैंक मिसाइल. ठीक है, तो इन पांचों मिसाइल्स के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे. इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखेंगे, DRDO के बारे में पढ़ा, एज वेल एज आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसकी न्यूज. अब हम लोग वर्ल्ड पेज पे, आज कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी एज सच, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं. आ जाते हैं बिजनेस पेज पे. And the first news in business space which we need to study is related to debt securities. So SEBI ने क्या किया है, SEBI has tightened the disclosure norms for listed debt securities. ठीक है, तो investors को protect करने के लिए Securities Exchange Board of India has tightened the disclosure norms. तो क्या tighten किया गया है, क्या नए rules लाए गए हैं? So SEBI has made it mandatory for companies to disclose on their websites the schedule of interest and the redemption obligations for the complete financial year. ठीक है, तो SEBI ने यह बोला है कि जितनी भी listed companies हैं, जो भी listed debt securities हैं, उनको इनके लिए compulsory है कि वो अपने website में जो interest rate वो देने वाले हैं उसको mention करें, as well as जो भी entire financial obligations हैं, जो भी उनको repayment करना है उसको भी mention करें. एंड उन्होंने कितना पेमेंट किया है, द स्टेटस ऑफ पेमेंट हैज टू बी अपडेटेड विद इन वन डे ऑफ द ड्यू डेट. ठीक है, तो जितना भी पेमेंट किया जाना है या करना है उसको विद इन वन डे आपको मेंशन करना पड़ेगा. एंड इससे फायदा क्या होगा, दिस विल इफेक्टिवली मीन दैट एनी डिफॉल्ट और डिले विल बी डिस्क्लोज विद इन अ डे ऑफ ड्यू डेट. ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट कर रही होगी तो वो भी सबको पता चल जाएगा. यहाँ पे जो एक टर्म यूज हुआ है डेब्ट सिक्योरिटीज, उसको देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या है. So debt securities are a type of financial interest where money is borrowed and paid back to the lender over time along with interest and other agreed upon fees. ठीक है, तो एक तरह debt securities एक तरह की जो securities हैं जिसमें आपने एक पैसा invest करते हो किसी company में and वो company आपको बोलते हैं कि हम आपको इतने time बाद इतना पैसा और इतने interest rate में इतना repay कर देंगे. ठीक है, इसके opposite में होती हैं equity securities. ठीक है, तो equity securities में क्या होता है कि आप जो है वो company का stock खरीदते हो एंड देन यू सॉर्ट ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपनी. तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके हिस्से आएगा अंडर द इक्विटी सिक्योरिटीज. लेकिन डेब्ट सिक्योरिटीज में क्या है कि आपने जित कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कोई मैटर नहीं करता. अगर आपको कंपनी ने बोला कि हम आपको इतना पैसा देंगे और इतने टाइम के बाद देंगे तो वो कंपनी को देना पड़ेगा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेब्ट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी सिक्योरिटीज. ठीक है, एंड डेब्ट सिक्योरिटीज के एग्जाम्पल है बॉन्ड्स, नोट्स, डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स. ठीक है, तो ये सब डेब्ट सिक्योरिटीज के एग्जांपल है. ठीक है, तो ये हम लोग डेब्ट सिक्योरिटीज के बारे में ध्यान रखेंगे. इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है. इट कब बनी थी, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 12th of April 1988 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो जब इनिशियली बनी थी इट वॉज नॉट अ स्टेचुरी बॉडी बट इट वॉज गिवन स्टेचुरी पावर इन 1992 ऑन 4th of April 1992. सो और इसका जो डिसीजन मेकिंग है, ऑल द डिसीजन टेकन बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आर कलेक्टिवली टेकन बाय इट्स बोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 8 other members. ठीक है, तो सेबी में जो बोर्ड है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 9, विच इंक्लूड्स चेयरमैन एंड 8 other members. ये जो है वो क्वेसी लेजिस्लेटिव, क्वेसी जुडिशियल एंड क्वेसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है. इट कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कंडक्ट इंक्वायरीज, पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनल्टीज. ठीक है, तो ये हो गया सेबी के बारे में. सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन मुंबई. ये हम लोग ध्यान रखेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में. इसके बाद जो यहाँ पे दूसरी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड. ठीक है, सो तो न्यूज क्या है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज आस्क्ड द RBI
टू रिलीज द नेम ऑफ बिग लोन डिफॉल्टर्स, ठीक है, तो जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने बैंकों से बहुत ज्यादा पैसा लिया हुआ है और नहीं चुकाया है, उनकी लिस्ट आरबीआई को बोला है कि वो रिलीज करे, एंड आरबीआई हैज अपोजिंग दिस मूव फॉर द लास्ट 1.5 ईयर। सो आरबीआई का आर्ग्यूमेंट क्या है कि अगर हम लिस्ट रिलीज करेंगे तो उनमें से बहुत सारे बिजनेसमैन का नाम खराब हो जाएगा, ठीक है, एंड नो वन विल इन्वेस्ट इन देयर कंपनी एंड दिस विल बी हार्मफुल फॉर अवर इकोनॉमी। बट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इज सेइंग दैट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यू शुड रिलीज द नेम ऑफ दोज डिफॉल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कब बना था और काहे के लिए बना था। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट के अंदर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को बनाया गया था, एंड इसको हेड कौन करता है, इट इज हेडेड बाय चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, एंड ही इज असिस्टेड बाय अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। एंड इसका फंक्शन क्या है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हियर्स अपील्स फ्रॉम इन्फॉर्मेशन सीकर्स who have not been satisfied by the public authority and also addresses major issues concerning the RTI Act. तो अगर आप स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप RTI में अपील करते हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिसीजन, सो यू कैन गो टू द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। एंड अगर इसके अलावा RTI Act में और कोई इशू है उसको लेकर के भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इज एम्पावर्ड टू हियर। एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द RTI एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, यूनियन गवर्नमेंट को। देर आर सर्टेन बॉडीज जो प्रेसिडेंट को सबमिट करती हैं, देर आर अदर बॉडीज विच सबमिट देयर रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, लेकिन जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे, इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टर्न प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है एंड अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, दे आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखें कि कौन उनको अपॉइंट करता है, दे आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, एंड किसकी रिकमेंडेशन में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी बिजनेस पेज से, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। और जो स्पोर्ट्स पेज है वहां पे वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, इट इज बीइंग हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स 2019, ठीक है, तो इंग्लैंड एंड वेल्स में हो रहा है। इसके बाद अलावा कोई भी और इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, लास्ट पेज पे आज पूरा का पूरा ऐड आया था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड, और जो आज के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स हैं, द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज बी, सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी फॉर दिल्ली, एंड थर्ड वन इज फॉर बी फॉर बॉम्बे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, एंड अपने दोस्तों को भी एग्जाम्स मेड सिंपल के बारे में बताएं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।